और सब कैसा है? आई रेडियो के सब बढ़िया हो। मैं हूँ आपका दोस्त आकाश राठौर। संक्रांति की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आपका जो न्यू ईयर है वो अच्छा रहा हो, संक्रांति का जो फेस्टिवल है वो अच्छा रहा हो। संक्रांति मेरा बहुत बहुत पसंदीदा फेस्टिवल है। होली दिवाली के साथ साथ हमारे जो एरिया है जहाँ से मैं हूँ गरुड़, जैसा कि मैं बताता हूँ, वहाँ पे पतंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो पतंगबाजी मैंने बचपन से की है, पेंच लड़ाना, काटना, और सुबह से 5 बजे हम उठ के चले जाते थे। तो वो जो माहौल है वो मैंने यहाँ बहुत मिस किया, और इवन इंदौर में भी मैंने उतना नहीं देखा क्योंकि इंडिया के हर पार्ट में इतना कॉमन नहीं है। तो अभी मैंने पता किया कि US में भी पतंग मिलती है। तो मैं निकल रहा था, हॉबी हेवन नाम की एक शॉप है जहाँ पे मुझे काइट्स मिल जाएंगी। तो मैंने सोचा चलते हैं और देखते हैं कि काइट का प्राइस US में कैसा है और जो काइट्स हैं वो किस तरह की मिलती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो डिफरेंट होती है डेफिनेटली। तो वो कैसे अंतर है और क्या है वो देखने के लिए चलते हैं आज के वीडियो में काइट शॉपिंग। मुझे तो लगता है कि पतंग उड़ाने का जो मज़ा है वो टेरेस से है कि छत पे आप चढ़ के मस्त पतंग उड़ाते हैं। और यहाँ पे तो आपने देखा है कि छत होती नहीं है। तो जिस कम्युनिटी में मैं रहता हूँ या पहले भी रहता था, आपने देखा वीडियोज़ में कि टेरेस यहाँ पे इतना कॉमन नहीं है। तो एक तो वो है मेन रीज़न कि आप उड़ा नहीं सकते। दूसरा है कि कई बार क्लाइमेट ऐसा होता है कि ठंडा बहुत है, जैसे आज भी रिलेटिवली लेस ठंडा है, पर ओवरऑल इस समय पे US में जो मिडिल पार्ट है, नॉर्थ पार्ट है, उसमें बहुत ठंडी होती है। तो वहाँ आप पतंग नहीं उड़ा सकते। आई डोंट नो साउथ साइड में अगर पतंग यहाँ पे उड़ती हैं या कॉमन है तो वो मुझे नहीं पता, पर मेरे एरिया में तो पतंगबाजी उतना कॉमन नहीं है अभी इस सीज़न में एटलीस्ट। सो ये कुछ कारण है कि पतंग वगैरह इस सीज़न में हमें कॉमन यहाँ पे US में तो नहीं मिलती। तो हॉबी हेवन जो जगह मैंने आपको बताई, वहाँ मैंने कॉल करके पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके पास हैं काइट्स अवेलेबल, क्योंकि ये इतना कॉमन नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए कॉल करके पूछना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ तो हमें पता ही होता है कि पतंग के सीज़न में पतंग मिल जाएगी, पर यहाँ ओवरऑल ईयर मिलती हैं ऐसे बस छोटी मोटी दुकान या किसी स्पेसिफिक शॉप पे। तो इसलिए मुझे कॉल करके पता करना पड़ा, और निकलते हैं हॉबी हेवन के लिए। पहुंच गया हूँ हॉबी हेवन, जहाँ पे काइट्स मिलती हैं या और भी फ्लाइंग की चीज़ें मिलती हैं। और आप लोगों के यहाँ पे कैसा सेलिब्रेट होता है ये जो फेस्टिवल है संक्रांति का, वो मुझे ज़रूर बताएं। जैसे मैंने बताया कि मैं 5 बजे उठ के बहुत एक्साइटेड होता था इस फेस्टिवल के लिए, और हम लोग 40-50 पतंगें रेडी रखते थे एक के बाद एक जाने के लिए। तो वैसे हम लोग सेलिब्रेट करते थे, और गुड़ की जो मूंगफली दाने के साथ चक्की बनती, वो खिचड़ा और इस तरह की चीज़ें स्पेशल संक्रांति के लिए बनाई जाती थी। तो वो भी हमारे यहाँ बहुत कॉमन है हमारे एरिया में। आप लोग यहाँ कैसे सेलिब्रेट होता है वो मुझे ज़रूर बताइए। और ये वो शॉप है, सो एंट्री करते हैं। सो दीज आर द काइट्स, दे डू कम विद अ थ्रेड, राइट? आई नो दीज From the sky dog, these black ones, I know those do for sure. Those do for sure. And you guys don't sell the threads separately? We have, but right now we're just out of stock. Okay, cool. No problem. So if I buy this one, this might not come with a thread, right? And what kind of thread do I need to use for these? Like a regular thread, or there is a specific thread that I need to buy from somewhere? Just regular. Regular one will work? Okay. So ye kites hain. कुछ इस तरह से मिलती हैं हमारे यहाँ। तो इंडिया में जो काइट्स हैं वो आपने देखा है कि शॉप में मिलती हैं बहुत सारे तरह की कलर्स में एंड ऑल। US में काइट्स कुछ ऐसी होती हैं, और जैसा मैंने पूछा उन्होंने बताया कि थ्रेड जो है वो काइट का उसके अंदर ही है। सो ये डिज़ाइन है काइट का, और इस वाली काइट का प्राइस है $22, टैक्स लगा के $25, यानी कि लगभग 1700 रुपये। तो 1700 की ये वाली काइट है। एंड ऑल दीज आर मेड अप ऑफ आई थिंक क्लोथ, राइट? Like a special fabric mainly, or paper? Mainly fabric. Fabric, right? Yeah. Because in India we do have kite, and it's all made of paper, most of the times, and the plastic. Well, some of the kites you build on your own are still paper, but like these are all cloth. Okay, so these are just for like when you go to the park, you just fly and all. Yeah, big wide open spaces. Mm-hmm. Are there any laws around it, or I can just? Any not open space will work. Okay, any cool. Open space, as long as you're not impeding something. Okay, cool. तीन चार जो मेरे ऑप्शंस हैं वो हैं, एक $50, एक $30 की काइट है, एक $20 की, और एक $3-4 वाली है। सो लगभग वही 200 से लेके 5000 तक की काइट है थ्रेड मिला के। सो आई थिंक मैं ये वाली ख़रीदता हूँ, ब्लू वाली बेसिक। $3 का काइट है, $2-4 का थ्रेड ले लेते हैं, $4 या $5 का। तो ओवरऑल 500-600 रुपये में मेरा काम हो जाएगा काइट उड़ाने वाला, और शौक भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि
बाहर तो कोई उड़ा नहीं रहा है और वैसा हो नहीं रहा है कि सब मिल के उड़ाएंगे और पेंच वगैरह लड़ाएंगे काटेंगे एक दूसरे की पतंग, वैसा कुछ फेस्टिवल तो है नहीं, तो इसलिए ये वाली काइट मैं लेता हूँ। आसपास स्टोर आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा स्टोर है, फ्लाइंग के लिए मेन स्टोर है, तो ऑल दीज फ्लाइंग इक्विपमेंट्स आर देयर। प्लेन आप ले सकते हैं, वाओ, एंड ऑल दीज आर रिमोट कंट्रोल्ड एंड दीज ऑल्सो डो नॉट हैव अ लॉ अराउंड इट, और डू हैव दे डू Uh-huh. There's about 7 or 8 of them in Kansas City area. Okay. You have to get like a club license. These do require license. Yes. You have to get also insurance to fly them out of most fields too. Okay. So, ये जो एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स आप आसपास देख रहे हैं 600, 800, 500 जैसा उन्होंने बताया, इसके लिए लाइसेंस भी रिक्वायर्ड है और इंश्योरेंस भी रिक्वायर्ड है इसको फ्लाई करने के लिए। तो ये तो मैं किसी और दिन ज़रूर ट्राई करूँगा क्योंकि लुक से तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट आज के लिए आई थिंक काइट्स बहुत हैं। अमेरिका के अंदर आप काइट्स ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं वॉलमार्ट से या अमेजोन से, सो वो भी आप देखें ऑप्शंस में, वहाँ पे सस्ती और आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, पर मुझे शॉप में आके ख़रीदना था इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। सो खरीदते हैं अपनी काइट और चलते हैं, देखते हैं अगर मैं फ्लाई कर पाता हूँ तो ठीक है, नहीं तो देखता हूँ क्या करता हूँ। छोटी चीज़ों में आपको बचपन की याद दिलाएगा, मुझे ज़रूर दिलाई। ये देखें, ये $1 मतलब यहाँ पे $3 का है टैक्स लगा के, सो 200 रुपये, बट मैं इसको 1 रुपये में ख़रीदा था बचपन में। आई डोंट नो अभी इसका प्राइस कितना है, पर क्या तो मतलब बहुत ही अच्छा मुझे लगता है कि वो प्रोडक्ट, मतलब बचपन कितना मज़ा आता था वो करने में। और ये काइट को मैंने थोड़ा सा और एनालाइज किया तो पता चला कि $3-3.5 में थ्रेड भी है ये रहा, सो इसके साथ थ्रेड भी आ रहा है, तो ये तो बहुत ही अच्छी डील है कि 200 रुपये में मुझे काइट मिल गई और थ्रेड भी मिल जाएगा, तो इसको खरीदते हैं और चलते हैं बाहर। या आई वुड लाइक टू बाय दिस। ऑलराइट, थैंक यू। सो खरीद लिया मैंने काइट, अब चलते हैं देखते हैं आसपास कहीं फील्ड अगर है जहाँ पर मैं उड़ा पाऊँ तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज वेदर अच्छा है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया यहाँ पे -22 था जिस दिन मैं आया, सो एक दिन -22, एक दिन -20, उतना नीचे टेम्परेचर था और काफ़ी क्लाउडी था। आज सनी है, विंडी है, तो वेदर काफ़ी अच्छा है काइट उड़ाने के लिए, तो देखता हूँ आसपास कहीं पार्क है तो उड़ाते हैं अपन काइट, थोड़ी सी उड़ा के देखते हैं। तो मैं ढूंढता हूँ पार्क जल्दी से मेरे आसपास। तो पतंग मैंने निकाल ली है जो हम खरीद के लाए हैं, इस तरह की कोई स्टिक है जिससे हमको इसको असेंबल करना पड़ेगा, सो ओपन करते हैं। यहाँ पे 2 सॉकेट हैं जिसमें आई थिंक ये लग जाएगा और इससे जो शेप है वो पूरा आ जाएगा इसका, तो कुछ इस तरह से फोल्ड होके पतंग जो है वो हमारी असेंबल हो गई, सिर्फ सिंपल सा। और आगे जहाँ पे इंडिया में हम बांधते हैं उसके लिए इन्होंने प्लास्टिक दे रखा है ऑलरेडी, तो हम मुझे पता है कि हम डोरी बांधते थे एक, या एक लाइन जो रस्सी जो होती है एक रस्सी बांधना पड़ती है, वो यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी उन्होंने दे के रखा है। और थ्रेड अगर देखें इसका, तो थ्रेड कुछ इस तरह से आया है फैंसी सा, और थ्रेड का क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि जैसा मैंने बताया कि काट वाट आपको लेना नहीं, किसी से पेच नहीं लड़ाने, तो थ्रेड सिंपल सा है। तो थ्रेड टाई करते हैं और उड़ाते हैं अपनी पतंग। हवा आज ठीक है, मौसम अच्छा है, तो इतना मुझे लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम होगा मुझे। और इसको थोड़ा बेंड करना पड़ता है, ये जो पतंग नहीं उड़ाते उन्हें नहीं पता होता है, पर जो उड़ाते उन्हें पता होता है कि थोड़ा सा पतंग को बेंड करना है। अब हमारी पतंग जो है वो रेडी है जाने के लिए, और विंड अभी भी कम है मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है पतंग उड़ाने में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।